बैंगलोर से जुड़ी सारी लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल सेक्युलर टाइम्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो यहाँ पे गोविंदपुर एरिया अरबी कॉलेज नागवार में मरहबा पैलेस में जो वैक्सीनेशन ड्राइव हो रहा है, ये हमारा थर्ड ड्राइव हुआ है यहाँ पे। इससे पहले भी हम लोग दो ड्राइव्स कर कर रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट डोज के कोविशील्ड के। तो यहाँ इसमें इस ड्राइव में हमारा साथ दे रहे हैं करौल फाउंडेशन, ज़ुबैदा सुलेमान फाउंडेशन, बियॉन्ड बाउंड्रीज फाउंडेशन, एडम्स फाउंडेशन और जो दूसरे हमारे पेट्रनेज हैं इसमें नारायण हृदालय। दिस वैक्सीन इज बीइंग गिवन इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट और रिलीजन। सर यहाँ पे आप दूसरा ड्राइव कर रहे हैं, इसी एरिया को क्यों बार बार सेलेक्ट कर रहे हैं? इस एरिया से हमें बहुत सारा डिमांड आया है। पहला तो जो हम लोग कई महीने पहले यहाँ पे किए थे वो हमारा फर्स्ट डोज था, तो उसके बाद कई यहाँ पे लोकल एनजीओ से, यहाँ के आवाम से हमें बहुत रिक्वेस्ट आए कि यहाँ पे आके सेकेंड डोज का भी ड्राइव कीजिए बोल के। तो हम लोग जो उनको ज़बान दिए थे वो पूरा कर रहे हैं यहाँ पे, तो सेकेंड डोज आज जारी है। सर लोगों में डर क्या अभी भी बाकी है? वो डर लोगों में अभी इंचक आकर लोग वैक्सीन ले रहे हैं? नहीं, आज जो है वो डर मिट गया है क्योंकि मैं खुद वैक्सीन लेकर हूँ। तो कई लोगों को, पूरे लोगों को तो 100% तो नहीं होता इसमें, कुछ लोगों को इसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जैसे कि बुखार, फटीग या ज़्यादा प्यास लगना वगैरह, तो नॉर्मल है, एक दो दिन रहता है, उसके बाद फिर आदमी नॉर्मल हो जाता है उसमें। तो लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है यहाँ पे, और जितना हम लोग 1000 वैक्सीन का यहाँ पे इंतज़ाम किए थे शायद वो कम पड़ जाएंगे आज। तो क्या आप ऐलान किए हैं गली कूचों में जाकर लोगों में? नहीं, हम लोग ऐसे कोई पब्लिक ऐलान तो करके नहीं है। जो लोकल हमारे पास NGOs हैं हु हैव गॉट स्ट्रॉन्ग ग्रास रूट इन द लोएस्ट लेवल, तो वहाँ पे उनका सपोर्ट लेकर उनके थ्रू हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू ये पब्लिसाइज करके हैं कि आज यहाँ पे होने वाला है। और कितने दिन तक चलेगी वैक्सीन? नहीं, आज ये लास्ट ड्राइव है यहाँ पे, तो इंशाल्लाह और ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ेगा तो इंशाल्लाह और भी हम लोग कोशिश करेंगे ड्राइव्स करने के यहाँ पे। शुक्रिया सर जी। अस्सलाम वालेकुम। आज का वैक्सीनेशन ड्राइव ये हमारा तीसरा ड्राइव है। जो पहले दो ड्राइव हुए थे उसके में हम लोग ने बताया था कि इंशाल्लाह सेकेंड डोज भी हम ही देंगे, इधर ही आके देंगे करके, तो उस वायदे के मुताबिक हम आए ये सेकेंड डोज देने के लिए। लेकिन अभी दिख रहा है कि कई लोग जो फर्स्ट डोज के लिए उस टाइम नहीं आए थे अभी आ रहे हैं। तो यहाँ पे सर ये 18+ के लिए भी है या? 18+ के लिए है जी। और ये पहले वो है ना, डर के आगे जीत है करके, तो डर के आगे वैक्सीन है बोल के अभी वो डर निकल गया, लोग निकल रही हैं अभी वैक्सीन लेने के लिए। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारा देश वैक्सीनेट हो जाएगा। तो लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है? देखिए, अब लोगों का रिस्पॉन्स गेट के बाहर अभी भी लोग वेटिंग में हैं, हम लोग देख रहे हैं, बस कैलकुलेट कर रहे हैं कितने वैक्सीन बचे हुए हैं क्योंकि सवेरे से लोग आके बैठे हुए हैं, तो इंशाल्लाह जितने हो सके हम लोग आज फिनिश कर लेंगे। सर आपका पूरा नाम? सर मोहम्मद इब्राहिम ने बियॉन्ड बाउंड्रीज करके, और मैं मर्सी मिशन के साथ भी वॉलंटियर हूँ। ड्राइव इज अनदर माइलस्टोन अचीव, ठीक है। इट इज द थर्ड ड्राइव विच इज हैपनिंग इन मरहबा पैलेस। इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह सुब्हान व तआला दैट अल्लाह हैव चोजन अस टू सर्व द कम्युनिटी, okay, irrespective of caste and creed, rich and poor. We have come here for the second doses, but the response is so well that the people who are scared to come for the first dose are coming now in the second dose so that they can take the first dose. Okay, so they have a lot of trust in us. That's the reason we have overwhelming response, and we are trying to cater as many vaccination drives throughout Karnataka, throughout Bangalore, to make sure that Karnataka is fully vaccinated. My name is Syed Adams and I'm from Adams Foundation. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. ये वैक्सीनेशन ड्राइव जो है लोगों की सेहत के लिए, जो वबा फैली हुई है, ये सेकेंड डोज का और फर्स्ट डोज का जो है कॉम्बिनेशन में ड्राइव किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले भी 3-4 ड्राइव हो चुके हैं करौल फाउंडेशन, बीजिंग बाइट और मेमन जमात खाने की तरफ से। लोगों में जो है इसकी अवेयरनेस आ रही है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मैं, हमारे उस्मान शरीफ इब्राहिम भाई जो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं करौल फाउंडेशन और बीजिंग बाइट्स के, अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में बरकत दे और जो है और ही इसी तरीके से खिदमत करने का मौका
उनको बार बार अता करते रहे। मेरा नाम शब्बीर अहमद है, मैं हिंदुस्तान सिफ मूवमेंट की तरफ से हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू, मेरा नाम जबीन बानू, मैं नोबल सेंट की टीचर हूँ और मैं यहाँ पर मरहबा कन्वेंशन सेंटर में आकर पहला डोज ली हूँ। जनाब उस्मान शरीफ इस वैक्सीनेशन का इंतज़ाम करेंगी कोविड 19 का, बहुत बहुत शुक्रिया, वरना हमें बहुत दूर दूर तक जाकर लेना पड़ता था। बहुत आप लोग भी मेहरबानी कर जो भी नहीं लेकर हैं ज़रूर से आकर लीजिए इंजेक्शन वैक्सीनेशन, बहुत बहुत शुक्रिया। ನಮಸ್ತೆ ಶಿವರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಉಸ್ಮಾನ್ ಶರೀಫ್ ಸರ್ ಅವರು ಸೊ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಶರೀಫ್ ಸರ್. ಸಾರಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ನೇಬರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನಾದರೂ? ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರೆ ತುಂಬ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಯಿತು. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಜನಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕ್ಸೋದ್ರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಸೊ ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ, ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಸೊ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೇನು ಅಪಾಯ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾ, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೈ ಆಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಆಯಿ ಹೂ. ಯಾ ಪೇ ಜೋ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹೇ ಔರ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಶರೀಫ್ ಸಾಹಿಬ್ ನೇ ಬಿ ಆರ್ಗನೈಜ್ ಕಿಯಾ ಹೇ, ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚಾ ಥಾ ಯಹಾಂ ಕಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಔರ್ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚೆ ಸೇ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಬಿ ಹೋ ಗಯಾ ಹೇ. ಆಪ್ ಮೇರೇ ದೋಸ್ತ ಆಕೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಯಹಾಂ ಪೇ ಡಾಲ್ ಕೇ ಜಾಯಿಯೇಗಾ, ಕುಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಹೀ ಹೈ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Assalamu alaikum, good afternoon everybody, family and friends. Today was my first dose. Initially I was scared, I wasn't sure about how it's going to happen, and for me to prepare mentally it took 2-3 months for the vaccine, but now I feel there's no much pain at all. So you guys can come and take the vaccine, it's really good actually. So lastly I want to thank the whole community here, especially the one who organized this, which is actually a free of cost, and it just took me 2-3 hours to get the vaccinated. Please guys, do join and come and get vaccinated, be healthy, be safe and wear masks and keep social distance. Thank you. Vaccine ka jo hai jo side plus aa raha to logon mein dar ho chuka hai, वो डरने कोई बात नहीं, हर आदमी ले रहा है वैक्सीन, और गवर्नमेंट का रूल्स भी है और सुन्नत तरीका है दवा खाना. अब डरने की मौत हयात अल्लाह के हाथ में है, मौत हयात अलग, लोग डर रहे, डरने की भी कोई बात नहीं. हमारे करूल अनवर शरीफ साहब के बेटे उस्मान शरीफ, उन्होंने 3 बार खिदमत करते हुए आ रही, हर आदमी को वैक्सीन लेना चाहिए, हर आदमी को वैक्सीन लेना चाहिए. एक ही इलाज है, दूसरा हमारे पास इलाज नहीं है. आपका नाम? मेरा नाम सलीम, एस के सलीम, एक्स कौंसलर.